नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर। क्योंकि 2020 जो था, वो जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका सेंटिनरी ईयर था, यानी कि उनको 100 साल हो गए थे उनके बर्थ को। तो इस वजह से क्या हुआ था, ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था बांग्लादेश में, पर क्योंकि 2020 में कोविड फैल गया था, इस वजह से हमारे पीएम मोदी जो हैं वो बांग्लादेश नहीं जा पाए। तो इस वजह से इन्होंने इंडिया में ही कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ऑनलाइन इसको सेलिब्रेट किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए स्लाइड लगा दी है कि पीएम मोदी अटेंड शेख मुजीबुर रहमान सेंटिनरी सेलिब्रेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। पहले बांग्लादेश में ही जाने वाले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्योंकि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस हो गई थी और बांग्लादेश में भी उस टाइम पर बहुत तेज़ी से कोविड फैल रहा था और इंडिया में भी उसे कंट्रोल करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, इस वजह से बांग्लादेश नहीं जा पाए हमारे पीएम मोदी। तो 100वीं एनिवर्सरी होने के लिए होने की वजह से बांग्लादेश जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं कि बांग्लादेश का क्रिएशन कैसे हुआ। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 1971 वॉर हुआ, पहले बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद 1971 में जब वॉर हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, वहाँ पे उनकी जो मुक्ति वाहिनी थी। और ये एक आइकॉनिक फ़ोटो है जो आप देख सकते हैं, इसमें ये पाकिस्तान के जो जनरल हैं उस टाइम पे AAK नियाजी और इंडियन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं ये जगजीत सिंह अरोरा जी यहाँ पे उनसे सरेंडर करवाते हुए तो वो साइन कर रहे हैं। इन्होंने अपने और खुद और 93,000 सैनिक जो और थे पाकिस्तान वाले, उन सब ने साथ में आके सरेंडर किया था। तो उसके बाद जाकर के जो बांग्लादेश था वो बना था। तो एक आइकॉनिक इमेज है, इससे 1971 की वॉर की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुआ तो इंडिया जो था वो पहली कंट्री बनी थी पूरी दुनिया में जिन्होंने कि बांग्लादेश को एज ए सोवरिन कंट्री, कि एक आज़ाद मुल्क है, पहली बार अगर किसी देश ने वो रिकॉग्नाइज किया था तो वो सबसे जो पहला देश था ऐसा करने वाला वो इंडिया ही था। तो इस वजह से इंडिया जो है वो शुरू से ही एक बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा और रिलायबल पार्टनर है। आइए हम एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनके बांग्लादेश और इंडिया जो हैं वो दोनों साथ में जिनके मेंबर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सार्क है, बिम्स्टेक है, और अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश है वो IORA का भी मेंबर बन गया है। तो इनके फुल फॉर्म्स हैं, अगर आप याद करना चाहें, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें जो देश आते हैं वो अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके बताएं मुझे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में इंडियन ओशियन से जितने भी देशों की बाउंड्रीज लगती हैं वो सारे इसके मेंबर्स बन जाते हैं। वैसे तो शुरू से ही काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, लेकिन जब से नई मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई है तब से हमारे जो जो रिलेशंस हैं आपस में वो काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच गए हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ये 2015 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये जो इंटरचेंज ऑफ लैंड था, ये पिछले काफ़ी सालों से लटका हुआ था, ये मुद्दा काफ़ी बार ट्राई किया था पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ ना कुछ विवादों के चलते वो नहीं हो पाया था। तो 2015 में हमने इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जो कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके थ्रू ये आप देख सकते हैं, मैंने मैप लगा दिया, कुछ ऐसे लैंड थे जो आज़ादी के टाइम पे कुछ ऐसे लैंड थे जो कि इंडिया के जो लैंड इंडिया में रहने वाले लोगों के लैंड जो थे वो पाकिस्तान में रह गए थे, और पाकिस्तान में कई सारे ऐसे लैंड थे जो इंडिया वालों के थे लेकिन वो पाकिस्तान में रह गए थे। तो उस पर कंट्रोल जो था वो अपोजिट कंट्रीज़ का था, जबकि वो लैंड जो थे वो दूसरी कंट्रीज़ में थे। तो इसमें ऐसे क्या होता था कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो हम काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे थे कि ये जो लैंड्स हैं ये इंटरचेंज कर लिए जाएँ, जो बांग्लादेश के वाले हिस्से में जो लैंड्स हैं वो हम बांग्लादेश को ही दे दें, और जो इंडिया के हिस्से में लैंड्स हैं वो हम इंडिया उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो इस वजह से वो काफ़ी आसानी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो सही से। तो 2015 में जाकर के फाइनली इसे हमने सॉल्व कर लिया है, और जो लोग इस लैंड पे रहते थे, चाहे अगर वो इंडिया वाले लैंड पे जो लोग रहते थे वो पहले वो बांग्लादेशी सिटीजन थे, लेकिन जो हमने ये इंटरचेंज ऑफ लैंड किया तो जो लोग इंडिया में थे, हालांकि वो बांग्लादेश का लैंड था पहले, लेकिन जो इंडिया में थे उस लैंड पे उसको हमने इंडियन सिटीजन्स मान लिया है, और जो बांग्लादेश में रह रहे थे जो इंडियंस, जो कि इंडिया का लैंड था वहाँ पर पहले, तो उन लोगों को बांग्लादेश ने अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी। तो इस वजह से ये बहुत ही एमिकेबली जो ये डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद से हमने कभी भी अपनी जो रिलेशंस हैं उनमें हमने लो नहीं देखा, और ये लगातार अच्छे होते चले गए हैं 2015 के बाद से, क्योंकि ये जो एक बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था वो हमने 2015 में ही सॉल्व कर लिया था। और जो ये नई गवर्नमेंट आई है शेख हसीना की, वो इंडिया के से काफ़ी प्रो इंडिया है, तो
इस वजह से क्या है कि इंडिया के भी रिलेशंस हम बांग्लादेश के साथ अच्छे करना चाहते हैं, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहती है। तो इस वजह से हमारे जो आपस के रिलेशंस है वो दोनों मिलकर अच्छे करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। लेकिन जो पहले गवर्नमेंट थी खालिदा जिया की 2005-06 के टाइम पर, जो कि गवर्नमेंट जाके उनकी ख़त्म, उस टाइम पर क्या था कि वहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी। तो इस वजह से क्या था, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो थे वो काफ़ी नीचे पहुंच गए थे। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, शेख हसीना ने अब जो है वो थर्ड बार प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली है उन्होंने बांग्लादेश की, तो हमारे जो पिछले 10-15 सालों से काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो गए हैं बांग्लादेश के साथ। अब हम जब दो देशों के बीच के रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम एक नज़र डाल लेते हैं कि उनके बीच में ट्रेड कैसा चल रहा है, और भी अलग अलग हम देखेंगे कि क्या डायमेंशंस में क्या क्या हो रहा है। जैसे कि पहले हम देखते हैं, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो किसी भी साउथ एशियन कंट्री के जो बायलेटरल ट्रेड है उनमें सबसे ज़्यादा है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड देख लीजिए, या फिर इंडिया श्रीलंका का, या इंडिया नेपाल का, या हम साउथ एशियन कंट्रीज जो भी हैं इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दो कंट्री जो हैं वो साथ में आकर ट्रेड करती हैं तो वो है इंडिया और बांग्लादेश। इन दोनों के बीच का ट्रेड लगभग $10 बिलियन है। हालाँकि ये इंडिया की तरफ थोड़ा सा डिक्लाइंड है, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश इंडिया को कम इम्पोर्ट करता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो हमसे इलेक्ट्रिसिटी भी परचेज़ करता है और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चावल। इस बार उनके यहाँ पे फ्लड आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो वैसे वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हर साल चावल उगाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, पर क्योंकि वहाँ पे फ्लड आ गया था इस बार, तो इसमें से क्या हुआ था, वहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और वहाँ पर बहुत सारा, क्योंकि राइस जो है वो ख़राब हो गया था फ्लड की वजह से। तो इंडिया ने ऐसे टाइम पर आ करके बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, और बांग्लादेश ने भी कई बार डिमांड की कि हमें इतना चाहिए इतना चाहिए, तो इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है या हमारे पास कम पड़ जाएगा। इवन कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने आगे आकर के बांग्लादेश को सपोर्ट किया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जितना भी आपको चाहिए, गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, फिर जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो कभी कम ना पड़े, ये इस बात का इंडिया ने हमेशा ख्याल रखा है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन सर्विसेज हैं जो कि चालू की गई हैं। इनमें से जो अभी एक सबसे रिसेंट में चालू हो रही है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, उसका नाम है अगरतला और अखुरा। ये जो आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं अगरतला अखुरा वाली, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो ऊपर वाली दो देख रहे हैं आप, धागा कोलकाता और कोलकाता से खुलना, ये तो दोनों रेल सर्विसेज रूट्स हैं जो वो ऑलरेडी चालू हैं, और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जो ट्रेड हो पा रहा है उसके पीछे रेलवेज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब हम इनके थ्रू भी ट्रेड करने में हमें आसानी रहती है। तो हम अगरतला और अखुरा वाला जैसे ये चालू हो जाता है तो हम और आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है दो देशों के रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं आपस में। अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करेंगे, जो कि बांग्लादेश से ही सबसे ज़्यादा आते हैं इंडिया में घूमने वाले, जो एक साल के पूरे नंबर ऑफ़ टूरिस्ट होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बांग्लादेशी लोगों की ही है। तो इंडिया की जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसमें बांग्लादेश के सिटीजन जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और इंडिया जो है अपने वो मेडिकल फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मेडिकल है वो और डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हुई या फिर और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके कंपेयर में हमारे यहाँ पे सस्ता है, जबकि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जिस तरीके का हम प्रोवाइड करवाते हैं फैसिलिटी हमारे मेडिकल फील्ड में, वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी सारे बांग्लादेशी सिटीजन जो हैं जिनको भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी मेडिकल चीज़ की, मेडिकल नीड की, मेडिकल हेल्प की, वो सब इंडिया में आकर के काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाते हैं। तो इसे हम मेडिकल टूरिज़्म का नाम देते हैं, जो लोग इलाज करवाने भी आते हैं और उसी के साथ साथ वो घूमना भी प्रेफर करते हैं, तो हम इसको कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म। तो जो बांग्लादेशी हैं वो काफ़ी ज़्यादा, हमारा जो मेडिकल टूरिज़्म है टोटल उसका लगभग 50% जो मेडिकल टूरिज़्म है वो बांग्लादेशी पीपल्स अकेले करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडिया हमेशा खड़ा रहता है, अगर बांग्लादेश को किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो इंडिया उसे हमेशा देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हमारे बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहें। तो ये देख रहे हैं आप कि 2010 से ही हम बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इसकी टोटल जो वर्थ है वो $7.4 बिलियन है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, जबकि क्योंकि बांग्लादेश अभी उतनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि $7.4 बिलियन उसके लिए मैटर ना करें, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है उनके लिए भी। लेकिन क्योंकि सम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो होती हैं इनकी वजह से इसका भी फुल यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाया, और हम लगभग अभी $500 मिलियन जो है वही बांग्लादेश यूज कर पाता है, और जो बाकी के फंड्स हैं वो एक तरीके से अभी वो बांग्लादेश उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि रेड टेपिज़म इतना ज़्यादा है कि पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरे का पूरे जो हमने उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया हुआ है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो इसमें हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी भी दो देशों के बारे में बात करेंगे तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, तो कुछ कॉन्सर्न्स भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं दो देशों के बीच में, तो आइए हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो आपने हाल ही के दिनों में भी 2020 में और 2019 के एंड से ही ये CAA NRC के ऊपर से जब से बातचीत शुरू हुई है, तब से यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो उसे काफ़ी ऑफेंडेड इससे फील कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर CA इंडिया में होता है या NRC होता है इंडिया में, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स होंगे, जैसे कि इंडिया ने बोल दिया था CA में कि
बांग्लादेश से भी जो माइनॉरिटी है वहाँ की, जो हिंदू माइनॉरिटी और जो 5 रिलीजन 6 रिलीजन टोटल थे उनके जो लोग थे वो इंडिया में आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी है तो वो नहीं आ सकता। तो इस वजह से वो बांग्लादेश जो है वो देख रहा है कि इंडिया में कॉम्युनलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो फिर इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉम्युनल हो रहा है ऐसा वहाँ पर हमारे बांग्लादेश में इंडिया की इमेज जा रही है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो अभी हमारी प्रो इंडिया गवर्नमेंट है तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जब भी वहाँ पर अगली बार इलेक्शन होंगे तो वो लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि वो जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, और इंडिया में क्या है कि मुस्लिमों के खिलाफ वो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ऐसा उन्हें लग रहा है। हालांकि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है तो इस वजह से भी इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उनके लिए। तो इस वजह से जो अभी शेख हसीना है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, तो शेख हसीना ने काफ़ी बार इंडिया से डायरेक्ट बात की इस बारे में कि ये जैसे CAA आप कर रहे हैं तो अभी तो CAA ठीक है, तो फिर इंडिया ने बोला कि हमारा इंटरनल मामला है, इससे बांग्लादेश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या है कि NRC भी इंडिया ने बोला है कि हम पूरे नेशन में करेंगे, अभी तो क्या है कि हम केवल असम में कर रहे हैं। असम में ही आपने सुना होगा कि लगभग 19 लाख लोग ऐसे हैं जो कि NRC में उनका नाम नहीं आ पाया, तो अब ऐसे लोगों का क्या होगा? इंडिया तो उनको ऐसा बोल रहा है कि वो इलीगल माइग्रेंट हैं, और बांग्लादेश कहता है कि ये हमारे यहाँ के नहीं है, तो अब उन लोगों का क्या होगा जो 19 लाख लोग हैं? तो बांग्लादेश बोल रहा है कि आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते NRC करके जो आपके यहाँ पर लोग बाहर निकले हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल इंडिया कह रहा है कि इनका इंटरनल मैटर, लेकिन अब 19 लाख लोगों का क्या होगा? और फिर आपने अगर सुना होगा यहाँ पर कई सारे कैंप भी बनाए, काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट थी ये भी कि इन जो कैंप्स बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो कि NRC में जिनका नाम नहीं आ पाया है, डिटेंशन सेंटर जिन्हें बोलते हैं हम। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि अब इनकी वजह से और ज़्यादा हल्ला मच गया है कि अब ऐसे लोगों को हम डिटेंशन सेंटर्स में रखेंगे या फिर 19 लाख लोगों का क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते ये लोग, हमारे यहाँ के नहीं हैं ये लोग। तो ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ दोनों देशों के बीच में। दूसरा आप ये देख सकते हैं तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है, ये भी कई सालों से काफ़ी विवादास्पद इस पर ये रहा है मुद्दा, क्योंकि बांग्लादेश की जो हमारी जो बांग्लादेश की जनता है वो उनको जो इंडिया से लगभग 50 से भी ज़्यादा नदियाँ ऐसी हैं जो कि ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं, और बांग्लादेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि वो राइस का जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, और राइस जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक टॉपिक है एक। और इंडिया में जो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो हमेशा से मना करती रही है कि हम तीस्ता का पानी शेयर नहीं करेंगे। तो अगर वो जैसा आप जानते होंगे अगर कि वाटर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में वो बोल रही है कि हम तीस्ता का पानी जो है वो बांग्लादेश से शेयर नहीं करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है कि वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश की गवर्नमेंट और ममता बनर्जी तीनों लोग आपस में बैठ के कई बार बातचीत कर चुके हैं कि कैसे हम तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा विवाद बनता जा रहा है और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ की जो जनता है वो भी इसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस विवाद को सुलझाया जाए ताकि हमारे रिलेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े इससे। तो दो ये जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, तो पहले इनको तो सॉल्व करने की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, एक तो कि ये तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, और NRC होने के बाद जो अगर जनता वहाँ पे बच जाएगी इंडिया में तो उसका क्या करना है, इंडिया वाले कैसे करेंगे उसको, कहाँ पे रखेंगे या उनके लिए अलग से कहीं जगह बनाएंगे, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी क्या कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बांग्लादेश में लोग इसके अगेंस्ट में NRC के अगेंस्ट में बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट निकल चुका है, जब इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम पर वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं पहले ही। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और कई सारी इंटरनेशनल मीडिया भी कई बार बोल चुकी है इस चीज़ को कि जो NRC हो रहा है या फिर CAA कर रहा है तो इंडिया जो कि हम बोलते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं इसके अगेंस्ट जाता है ये। तो आइए कि हम तीसरा देख लेते हैं, ये तीसरा क्या है कि BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ये आपको पता होगा ये चाइना का पेट प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है Xi Jinping वो चाहते हैं कि BRI को हम पूरा करें। अब BRI क्या है, वो सिल्क रूट जो पुराना रास्ता था एंशियंट हिस्ट्री में हमारे, उसको वो सिल्क रूट को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं उस, और वो चाहते हैं कि इससे अगल बगल की जितनी भी कंट्रीज हैं जिनसे भी होके गुजरेगा वहाँ पर सारे सारे देश चाइना का सामान खरीदेंगे, चाइना से सड़कें बनाएगा चाइना, वहाँ के देश जो हैं वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा चाइना को बहुत ज़्यादा। अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने BRI को सपोर्ट किया है, इंडिया जो है वो अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी बड़ी कंट्री है मेजर इकोनॉमी है इस टाइम पे जो कि खुल्लम खुल्ला ये बोले कि हम BRI के अगेंस्ट में, क्योंकि ये इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ है, और जैसे कि आप जानते होंगे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ से पास होता है, तो इस वजह से इंडिया ने BRI को एकदम मना कर दिया कि हम इसका पार्ट कभी भी नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश ने BRI ज्वाइन कर लिया है, तो इस वजह से ये भी एक कॉन्सर्न दोनों कंट्रियों के बीच में रिलेशन ख़राब करने वाली काम जो है ये यहाँ पे बांग्लादेश से हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि बांग्लादेश अब कितना ज़्यादा BRI का जो इन्वेस्टमेंट है चाइना से वो लेता है और कितना ज़्यादा वो कंस्ट्रक्शन करने देता है अपने यहाँ पे,
ये सब भी आगे चल के हमें पता लगेगा। अभी तो क्या है कि ये अभी एक उभरता हुआ विवाद है, अभी ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है, अभी तो उन्होंने केवल BRI को ज्वाइन किया। आगे चल के कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वो करने देते हैं, कितनी ज़्यादा सड़कें, कितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो चाइना के थ्रू BRI के थ्रू आती हैं बांग्लादेश में, ये एक बड़ा विवाद होगा, देखने वाली बात होगी दोनों देशों के बीच में। और एक जो बड़ा मुद्दा है वो है कैटल ट्रेड। कैटल ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इलीगल कैटल ट्रेड जो होता है उसमें प्रॉब्लम है। इलीगल कैटल ट्रेड आप ये देख सकते हैं कैसे होता है। ये दो देश हैं, मैंने आपको बताया कि 50 से भी ज़्यादा ऐसी नदियाँ हैं जो कि बांग्लादेश से इंडिया में और इंडिया से बांग्लादेश में जाती हैं। तो इंडिया क्या है, एक अपर रिपेरियन कंट्री है, तो जहाँ से नदियाँ फ्लो करके नीचे वाली कंट्रीज़ में जाती हैं उसे कहते हैं अपर रिपेरियन कंट्रीज़। तो अपर रिपेरियन कंट्री इंडिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप देख सकते हैं, ये बांस है। अब ये बांस जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से इन्होंने फट्टे में बांध दिया गाय को और ये नदी में डाल देते हैं। तो अब क्या है कि गाय जो है कभी भी डूब नहीं सकती इसके अंदर, नदी के अंदर, और वो तैरते हुए क्या होगी, वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच जाएगी, और वहाँ पे जाके जिसको भी ये बेचनी होगी वो अपना वहाँ पे, यहाँ के बंदे वहाँ भी खड़े रहते हैं और वो जा करके वहाँ पर पकड़ लेते हैं। तो ये इलीगल है, क्योंकि इससे क्या है, गवर्नमेंट को कोई राजस्व नहीं मिलता है, गवर्नमेंट का घाटा हो रहा है यहाँ पर। और इलीगल होता है वहाँ पर जा करके ये बचर खाने में चली जाती हैं, तो वहाँ पर जाके इनको मारा भी जाता है, जबकि ये मिल्च कैटल्स हैं, अलाउड नहीं है मिल्च कैटल्स को मारना, फिर भी ये काम होते हैं, तो ये इलीगल है। तो इस वजह से क्या है कि जब तक ये चालू था तब तक लगभग हर साल, अगर मैं आपको 2013 का डाटा बताऊं, तो लगभग 23 लाख कैटल्स जो थे वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड होता था उनका। और जब से इंडिया ने इसको बैन कर दिया है तब से 23 लाख पहले होता था और वो घट के संख्या 75,000 पे पहुंच गई है 2020 में। तो एक बहुत ही ड्रेस्टिक जो कमी हुई है वो 23 लाख से डायरेक्ट 75,000 पे आ गए हैं वो। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन हालांकि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो कभी भी सॉल्व किया जा सकता है। जब भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाए, अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो बोल देगी कि नहीं हमें अलाउ नहीं करेंगे, तो एकदम वो बंद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि हमने वहाँ पर ढील दी हुई है, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो, तो इस वजह से हम इसको अभी चला रहे हैं हम काम इससे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सर्न है जो कि इंडिया और बांग्लादेश को मिल के बैठ के आपस में बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि ये बड़ा विवाद बन जाए। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप देख लीजिए कि हम आगे इसको, हम अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जा सकते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा अभी, ये जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये जो ट्राइलेटरल हाईवे हम बना रहे हैं, जो कि इंडिया अपने पैसे वहाँ पे खर्च कर रहा है, म्यांमार और थाईलैंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हम अपने अपनी जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है हमारा, उसको हम वहाँ से जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे जोड़ पाएँ, क्योंकि म्यांमार से हमारा बॉर्डर लगता है। तो हम म्यांमार में पहुँच गए, फिर थाईलैंड में पहुँच गए। तो इसमें हमने क्या है कि पहले जब ये हमने नया नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस टाइम पे हमने बांग्लादेश को बोला था कि वो IMT का मेंबर बन जाए, लेकिन बांग्लादेश ने उस टाइम पे, क्योंकि वो BRI का मेंबर बनना चाहते थे, तो उस वजह से उन्होंने बोला कि इसको ज्वाइन करके हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पर थोड़ा BRI को साइन करने के ज़्यादा पक्ष में थे। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने देखा है कि BRI जो है वो उतना अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, और उनको जैसे जैसे वहाँ पर भी अभी बातें पता लग रही हैं कि इससे क्या हो सकता है कि चाइना जो है वो कोई पोर्ट अपना हथिया सकता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी वजह से वो लोन वापस ना कर पाए, इतना ज़्यादा लोन दे दे। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अब बांग्लादेश ने बोला कि हम भी इंटरेस्टेड हैं इंडिया म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है इसको ज्वाइन करने में। तो इससे क्या है, वो भी चाहता है कि वो भी एक बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बने। अब इसी तरीके से एक ये दूसरा है BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। इसमें क्या है कि चारों देशों के जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जैसे एक एक देश को अगर दूसरे देश के, जैसे मान लो इंडिया के ट्रक्स हैं वो नेपाल जाना चाहते हैं, तो क्या वो बहुत ही हार्ड चेकिंग होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक हफ्ते महीने भर ट्रक खड़े रहते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो अगर मान लीजिए कोई इसमें ऐसा सामान है जो कि ख़राब हो गया, सब्जियाँ हैं, फल हैं, तो वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जब हमने BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो साइन किया, इसकी वजह से क्या होगा कि जो टाइम लगता है बॉर्डर क्रॉस करने में एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे आपस में चारों कंट्री, और चारों कंट्री एक तरीके से, अगर हम एक तरीके से BBIN सही से साइन कर लेते हैं और उसका सही से हम उपयोग करते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा जैसे इंडिया में 4 स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, UP आपस में ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से BBIN साइन करने के बाद ये चारों देश हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और जो बाकी जो भूटान और नेपाल हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। अब आप देखिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके की है कि बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश पड़ता है, और बांग्लादेश का जो 90% लगभग जो उनका लैंड बाउंड्री एरिया है वो केवल इंडिया से शेयर करते हैं। तो इसमें से क्या है कि बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी है कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना के वो चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे या कुछ ऐसा कर दे कि जिसकी वजह से वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो जाए, क्योंकि वो एकदम उनके जो बॉर्डर है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लगता है। और साथ ही साथ चाइना चाहता है कि उनको एक बगल में, जैसे उन्होंने हमारे एक साइड में पाकिस्तान को धोड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो अब जैसा चाहे वहाँ पाकिस्तान में घूम सकते हैं, कभी भी वहाँ से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, और इंडिया को पता नहीं लग पाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। हालांकि हमारे पास सेटेलाइट्स हैं, हम नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान खुद ही उन्हें अलाउ कर देगा तो हम कहाँ तक देखेंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। तो यही काम वो बांग्लादेश में भी करना चाहते हैं। तो इसमें से क्या है कि बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी है कि उन्हें चाइना से भी इन्वेस्टमेंट मिलता है,
उन्हें इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट मिलता है। उन्होंने दोनों कंट्रीज़ को इस तरीके से बैलेंस किया हुआ है कि वो दोनों से बेनिफिट लेते हैं और वो अपनी इकोनॉमी को बड़ी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है उसको भी क्रॉस कर दिया है, लगभग 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गई है बांग्लादेश, जबकि अभी जो पाकिस्तान है उससे वो आगे निकल चुके हैं, लगभग 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है बांग्लादेश। तो ये काफ़ी हॉलिस्टिक डिस्कशन था हमारा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के ऊपर, और मुझे लगता है कि आपको जान के भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होगी और आपको मज़ा आया होगा देख करके कि कैसा दो देशों की हमारी जो आपस में हम नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका रिलेशन कैसा चल रहा है। तो अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि आप और लोगों को भी बताएं, और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो अगर आप और लोगों को भी बताते हैं और लोग ज़्यादा जानकारी लेंगे तो उनका भी बांग्लादेश को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज होगा। तो इस वजह से आज के लिए इतना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किसकी बनानी चाहिए। हालांकि मैं वैसे वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे को कमेंट करके बताया और ज़्यादा लोगों ने डिमांड की तो मैं उसके टॉपिक के ऊपर भी वीडियोज़ बना सकता हूँ। थैंक यू।